बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आपके मुरीद बात कर रहे हैं, हजरत जी आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। हजरत जी मेरे चमन में, मेरी जिंदगी में आते से बाहर है हजरत जी। हजरत जी आपको अल्लाह ताला हमेशा सेहतमंद रखे और खूब खूब जजाए खैर दे। हजरत जी बस ऐसा निगाहें करम, ऐसा तवज्जो डाल दीजिए हजरत जी कि बस अल्लाह वाला बन जाऊं और अल्लाह की इबादत में नेकी में लगा रहूं हजरत जी। हजरत जी मेरा सवाल दो है हजरत जी कि हम ठेले पे कपड़ा बेचते हैं हजरत जी, पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं चलता हजरत जी, दिन भर उसी में लग जाता है हजरत जी, बस ऐसा कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए कि हम जल्दी से मतलब कपड़ा बेच के रूम पे आके फिर अल्लाह की इबादत में नमाज में लग जाए हजरत जी, क्योंकि दिन भर मेरा उसी में लग जाता है हजरत जी। और हजरत जी दूसरा मेरा सवाल ये है हजरत जी कि सिलसिले चिश्तिया साबरिया के औली अल्लाह के रूहानी तवज्जो पाने के लिए बता दीजिए हजरत जी। अल्लाह ताला को खूब खूब जजाए खैर दे। जजाकल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जमशेद आलम मुनीरी जो है इंडिया से कॉल कर रहे हैं, आपकी इजहार मोहब्बत को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए और आपको ज़ाहरी बातनी दौलतों से मालामाल फरमाए। और बाकी आप जो चाहते हैं इबादत के लिए वक्फ़ हो जाऊं और कस्बी मुआश का मामला आसान हो जाए और वो काम आपका चलता नहीं है तो उसके लिए नोट कर लें, आप जब ठेले पर खड़े हों कपड़ा बेचने के लिए तो सूरत नास आखिरी जो सूरत है कुरान करीम की सूरत नास, ये 5-5 दफ़ा पढ़ पढ़ के फूँकते रहें, अपने जो है वो सामान तजारत पर अपने आप पर 5-5 मरतबा पढ़ पढ़ के फूँकते रहें, हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 5-5 मरतबा पढ़ के फूँकते रहा करें, इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से आपका सौदा खूब बिकेगा और आप बहुत जल्दी अपना नफ़ा हासिल करके अल्लाह की इबादत में लग सकेंगे। तो ये शुरू कर दें। और दूसरा जो है सिलसिला चिश्तिया साबरिया के औलिया अल्लाह की तवज्जो हासिल करने के लिए तो शजरे की तिलावत करें, कि जो शजरा जो औलिया अल्लाह का है वो शजरा पढ़ा करें। वो मैंने सब मुरीदों को भेज रखा है, जिनके पास नहीं है तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, खानका की टैब दबाएं तो वहाँ पे शजरा जो उनको मिल जाएगा। तो औलिया अल्लाह की जो शजरा है तो उस शजरे को पढ़ा करें, सब नामों का विर्द किया करें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और फिर उनके वास्ते और वसीले से जो है वह अल्लाह तबारक व ताला से खैर मांगें, ये शजरा पढ़ें। और इनको इसाले सवाब करें, कम से कम एक मरतबा फातिहा और 3 दफ़ा कुलू अल्लाह पढ़ के इन तमाम औलिया अल्लाह को इसाले सवाब किया करें, कभी कभी सदक़ात करके उनको बख्श दिया करें, इससे उनकी रूहानी तवज्जो आपको नसीब होगी और आपको मराते भी आलिया नसीब होंगे। तो इस तरीके से आप रूहानी तवज्जो हासिल करें। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला आपको जो है वाकई अल्लाह वाला बना ले और अपने कल्ब को अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब फरमा लें।